नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम तरुण कुमार दुबे है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बात खेती बाड़ी में हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मेरे को काफी कमेंट आ रहे थे कि राधिका भिंडी के बारे में संक्षिप्त में बताएं, तो मैंने आज कोशिश की है कि आपको राधिका भिंडी के बारे में संक्षिप्त में बताया जाए कि राधिका भिंडी क्या है, क्या उसके फीचर हैं, कब उसकी बुवाई करनी चाहिए, तो वो सब मैंने आज आपके लिए ये राधिका भिंडी का पुराना पाउच जो पहले कंपनी पैकिंग देती थी वो लिया है और आपके लिए नया पाउच जो कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया था लास्ट ईयर, ये अभी जो आपको भिंडी मिलेगी राधिका भिंडी इस पाउच में मिलेगी। पुराना जो पाउच था कंपनी का ये आप देख पा रहे होंगे, अभी जो आपको भिंडी मिलेगी मार्केट में वो इस पाउच में मिलेगी। आगे से ऐसा है, पीछे से ऐसा है। तो किसान भाई, राधिका भिंडी की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बुवाई किसान आमतौर पर दो सीजनों में करते हैं, ये एक नवंबर दिसंबर जनवरी और इसके बाद में मई जून, अप्रैल मई जून में इसमें बुवाई होती है। राधिका भिंडी की बात करें सबसे पहले बीज दर की अगर मैं बात करता हूं तो इस समय जो बुवाई होती है वो मई जून की बुवाई की अपेक्षा में बीज दर ज्यादा लगती है और आपकी जो मई जून में है उसमें कम लगती है, जनवरी फरवरी में आपको ज्यादा बीज दर लगेगी। राधिका भिंडी की जो दूरी रखते हैं किसान आमतौर पर ग्राउंड लेवल पर वो है आपके सर्दियों वाले टाइम पे आधे फिट की और गर्मी वाले टाइम पे एक से डेढ़ फिट की दूरी रखते हैं, इसी हिसाब से बीज दर कम ज्यादा होती रहती है। राधिका भिंडी की अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी जो प्रथम तुड़ाई जिसको अपन बोल देते हैं वो आपको लगभग 45 दिन से 50 दिन के बीच में आपको मिल जाएगी, जिस दिन आपका अंकुरण हुआ है उससे लगभग 45 दिन के आसपास आपको इसकी प्रथम तुड़ाई मिल जाएगी राधिका भिंडी की। और दूसरी बात करें हम तो इसकी जो क्वालिटी है फ्रूट क्वालिटी वो ग्रीननेस में आती है। आमतौर पर आप देखते होंगे कि भिंडी की जो पीछे वाला हिस्सा है छल्ला है वो सफेद मिलता है, लेकिन राधिका भिंडी का आपको पीछे तक ये भिंडी पूरी आपको ग्रीन मिलेगी। तीसरी हम बात करें राधिका भिंडी की, 3 से 4 फुटाने चलती हैं आपको। आमतौर पर आप भिंडी जब लगाते हैं तो उसमें आपको 1 या 2 फुटाने मिलेंगे, राधिका भिंडी में आपको 3 से 4 फुटाने मिलेंगी और चारों पे समान तरह से भिंडी चल रही होगी। और अगर आगे अगर राधिका भिंडी की हम बात करें तो 2 वायरस के टीके लगे हुए हैं जो कि इस भिंडी को बहुत मजबूत बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम OLCB और YBAB। OLCB को मैं अगर मैं आपको विस्तार से समझाऊं तो OLCV ओकरा लीफ कर्ड वायरस, यानी ओकरा माने भिंडी, लीफ माने पत्ती, कर्ड माने मुड़ना, वायरस माने रोग, यानी भिंडी के पत्ते मुड़ने वाली जो बीमारी आती है वो अपनी राधिका भिंडी में नहीं आती। आप राधिका भिंडी का कोई बैनर उठा के देखोगे तो उस पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है कि OLCV के प्रति अत्यंत सहनशीलता। और दूसरा वायरस जो मैंने आपको बताया YBMB, आमतौर पर आपको मोजेक रोग बोल देते हैं उसको, येल्लो वैन मोजेक वायरस, जिसमें भिंडी की पत्तियां पीली पड़ जाती है, नसें पीली पड़ जाती है, वो भिंडी, ये राधिका जो भिंडी है आपको उस पीत रोग के प्रति भी बहुत काफी सेंसिटिव वैरायटी है। अगर भिंडी की मैं लाइफ के बारे में बात करूं तो लगभग आपको ये 6 से 7 महीने 8 महीने भिंडी देने की क्षमता रखती है, कई किसानों ने इसको साल भर भी तोड़ा है। आप मेरी नीचे वाली वीडियो में जाके देखोगे, इसमें जाके तो आपको मिलेंगे जिसमें मैं गिन रहा हूं भिंडी, जो किसान ने 135 भिंडी एक पौधे से तोड़ चुका है, आप नीचे जाओगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो यही टोटल राधिका भिंडी का टाइम है। आज की टाइम राधिका भिंडी की हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा भिंडी बीज बिकने वाली जो वैरायटी है वो राधिका है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसकी जो फुटान है, इसकी जो माल देने की क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। उत्पादन की भी मैं बात करूं तो उत्पादन में ये आपका और अदर वैरायटी की अपेक्षा में कोई भी कंपटीटर वैरायटी लगाते हैं तो उसको आपको 20 से 25% का आपको फायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों, यही टोटल आपके राधिका भिंडी के बारे में टोटल है। और अगर आपके कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट दे सकते हो। तो यही टोटल राधिका भिंडी, आप देखें पुराना पैक ये था राधिका भिंडी का, नया पैक ये है। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों का मैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो नमस्कार साहब।